किसान साथियों नमस्कार, मैं नीतू चौधरी शीतल फार्मिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, तुरंत में जुताई चल रही, देख सकते हैं आप, ये 12 अप्रैल का बोया हुआ गन्ना है। बारिश के कारण अभी उसका गन्ना लेट बुआई हुई और बुआई होने के बाद भी लगातार बारिश चलती रही, जिसमें एक खुदाई कराई गई किसान भाइयों, उसके बाद भी फिर तो बारिश होती इसके ऊपर। किसान भाइयों देख सकते हो आप, जो जुताई हो रही है टीलर से कर रहे जुताई, इसकी कोई कल्टीवेटर नहीं है, टीलर के बीच के खुरपे निकाल के और जुताई की जा रही है। किसान भाइयों, एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई गन्ने की फसल को बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं, जैसे खरपतवार, अब ये देखो हमारे खेत में कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही, लेकिन हमने फिर भी इसमें खरपतवार की दवाई नहीं लगाई। किसान भाइयों, जहर से बहुत बीमारी फैलती जा रही, घर में कोई एक आधा ही आदमी ठीक है, नहीं तो करीब करीब सभी बीमार है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अगर चेकअप करवावे, जो दवाई नहीं खा रहा उसके भी अंदर कोई ना कोई बीमारी पड़ रही। देख सकते हैं किसान भाइयों, हम बिल्कुल भी खरपतवार नाशक का कोई स्प्रे नहीं करते, कितना भी घास हो जाओ अपने खेत में ही उसे गड़ा सड़ाते, पत्ती नहीं फूकते बिल्कुल भी। तो किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान करो कि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे दवाइयों का प्रयोग करो। देख सकते हैं आप, किसान बोलते हैं भाई मैंने तो शुरू में ही घास की दवाई लगा दी, बहुत बढ़िया गन्ना चल रहा। अब किसान भाइयों देखियो, 12 अप्रैल का यह गन्ना कम है क्या? देख सकते हैं आप, ये हमने तो भाई घास की दवाई लगा दी, अरे घास थोड़ा की दाल का गन्ने को खा जाएगा। अरे भाई, जहाँ अपना ज़रूरत है वहीं वहीं जहर इस्तेमाल कर लो, बाकी जहाँ खुदाई पिटाई हो के अपना काम चलता हो उसे करना चाहिए किसान भाइयों। जहर कंपनी तो बनाती रहेंगी, आप डालते जाओगे बीमार होते जाओगे, उधर एलोपैथिक बनती रहेगी, आप खाते रहोगे बीमार पड़ते रहोगे। देख सकते हैं किसान भाइयों, हमने कोई दवा कुछ नहीं, आप देख सकते हो इतना घास देख के किसान डर जाएगा, वो कहेगा भाई मेरा तो गन्ना होने का नहीं, इतना घास चढ़ गया दोस्तों, कुछ ढाई ढाई फुट ऊंचा घास हो गया भाई। अब आप देख सकते हो इसमें वो भी कितने आराम से टीलर चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, अच्छी जुताई हो रही। देख सकते हैं किसान भाइयों, देखिए सब टीलर ने काट के घेर दिया, अब इसकी गड़ सट के इतनी बढ़िया खाद लगेगी, बहुत ही बढ़िया। किसी घास में कोई सा साल्ट मिलेगा हमें, किसी में कोई सा मिलेगा, कोई जिंक की पूर्ति करेगा तो कोई पोटास, कोई सल्फर की करेगा, कोई कैल्शियम की, सब तरह का घास है इसमें। थोड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में किसान भाइयों, एक हाथ में फोन है, गहरी नाली पहली बार निकल रहा, टीलर थोड़ा सा उतर गया था पहिया, इसलिए बैक करा, उसके बाद में कल करा।
ठीक है किसान भाइयों, जहर कम से कम इस्तेमाल करो ताकि अपना भी बचाव हो, बीमारी ना लगे। थोड़ा कम डाल लो जहर वहर, जहाँ जरूरत हो वहीं पर डाल लो। ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।